कोरोना के चलते शहर में कोई भी त्यौहार बड़ी धूमधाम से नहीं मनाने की अपील या आदेश प्रशासन की ओर से दिए गए। शहर में पोला बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया, मगर मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में होने वाले गोटमार मेला हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते त्यौहार मनाने पर पाबंदी आई है। सभी त्यौहार बड़ी सादगी से मनाए गए, मगर मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में होने वाले गोटमार मेला हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। प्रशासन के आदेशों के बाद भी दोनों गांव के लोगों ने इस परंपरा को कायम रखते हुए गोटमार मेले का आयोजन किया। लोगों ने विरोध करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी जमकर पत्थर बरसाए। आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बीच होने वाले इस मेले की परंपरा क्या है। पुरानी परंपरा का हुआ निर्वहन। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां है। इन किंवदंतियों में सबसे प्रचलित और आम किंवदंति है कि सावरगांव के एक आदिवासी कन्या का पांडुर्ना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुर्ना का लड़का साथियों के साथ सावरगांव जाकर लड़के को भगा कर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था, जिसे तैरकर या किसी के पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था, तब सावरगांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के को व उसके साथियों पर पत्थर से हमला शुरू किया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांडुर्ना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव किया। पांडुर्ना पक्ष एवं सावरगांव के पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछार में इस दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच हुई, जिसके बाद से इस मेले का आयोजन होता है। इसीलिए हर साल इस जानलेवा मेले का आयोजन किया जाता है। मगर जब शहर में कोरोना संक्रमण के चलते मारबत की परंपरा पर रोक लगी, तो इस मेले को भी रोक लग सकती थी।